तो वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे आपके सामने रेंज कि हम सेल को कैसे हैंडल करते हैं। हमने शीट के बारे में, हमने वर्कबुक के बारे में हमने जाना, अब हम जानते हैं रेंज, क्योंकि हम सारा काम रेंज के ऊपर करेंगे। हम पिवट लगाएंगे रेंज के ऊपर, हम डेटा टाइप करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, सब कुछ रेंज के ऊपर ही होता है। इसलिए चलिए रेंज को समझते हैं। तो मैं डुअल स्क्रीन करता हूं, आप देखिए एक बार। जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर सेल पे क्लिक करना है, तो क्या कोड लिखेंगे उसके लिए? तो सब्जेक्ट में यहाँ पे आर आर कर दिया मैंने, तो यहां लिखेंगे रेंज A1.select। तो A1.select, अब इसको एंटर प्रेस कीजिए तो देखिए A1 पे कैसे चला गया। यहाँ पे मैं अगर रन करता हूं तो, या फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेल, अब A1 को सेल्स, सॉरी सेल नहीं, सेल्स 1.1.select, ठीक है, 1.1.select, जिससे भी कर्सर आपको ऊपर चला जाएगा। तो दो तरीके, रेंज अल्फाबेटिक दे लीजिए या सेल्स नंबर्स में दे दीजिए, R1C1 रेफरेंस स्टाइल में दे दीजिए, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। क्लियर है? क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए मुझे C2 का रेंज A1 पे जाना है, या लिखेंगे पहले सीट सीट टू, या सीट की जो भी कॉलिंग मेथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, पहले आप सीट टू पे जाइएगा, देन आप रेंज A1 दीजिएगा, ठीक है, A1.select। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर शीट के किसी पर्टिकुलर पार्ट को करना है, तो हमें उस पर्टिकुलर शीट का रेफरेंस देना होगा, ठीक है। यस यस। ऐसे मुझे किसी पर्टिकुलर फाइल से बुक टू है उस पे जाना है, तो आपको यहां पे लिखना होगा वर्क बुक्स, और यहां लिखेंगे बुक टू डॉट XLSX डॉट एक्टिवेट, यहां सेलेक्ट नहीं होता, एक्टिवेट होता है। अब मान लीजिए कि मुझे एक एरिया सेलेक्ट करना है, जैसे मुझे इतना एरिया सेलेक्ट करना है, A1 से लेके D10 को सेलेक्ट करना है, क्या लिखेंगे? तो इसको लिख के भी लिखने के दो तरीके हैं कि आप एक्सेल के, जैसे एक्सेल के फॉर्मूले में होता है कि A1 से लेके D10, और यहां लिखोगे डॉट सेलेक्ट, A1 से लेके D10 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। क्लियर है? यस सर। या दूसरा तरीका है जो वीवीए का तरीका होता है, A1 स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन D10। इसका यूज हम लोग ऑटोमेशन वगैरह में करते हैं, डायनेमिक रेंज सिलेक्शन में करते हैं, जो कि हम आगे क्लासेस में आपको हम बताएं। क्लियर है? लेकिन वही, अगर आपको C2 के या C3 पे जाना है, तो आपको ये मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। अब बात करते हैं किसी सेल पे अगर टाइप करना हुआ तो, सेल पे कुछ अगर टाइप करना हुआ तो, सेल सर्च करें। तो उसके लिए यहां हम लिखेंगे रेंज A1.value इक्वल टू, जैसे मान लीजिए इसमें मुझे नेम लिखना है, क्या लिखना है? नेम, ठीक है। या फिर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रेंज से यहाँ पे B1.value लगाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे रोल को ले लेगा,
ठीक है। हाँ तो इसमें क्या है, रेंज P1 इक्वल्स टू रोल, ठीक रोल तो यहाँ पे रोल टाइप कर देगा, इस तरह से टाइप कर देगा। टू मेथड है, दो जी मेथड है। जी हाँ, या तीसरा मेथड भी है रेंज, यहाँ पे C1 डॉट फॉर्मूला इक्वल टू। अब बोलोगे सर कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फॉर्मूला लिख रहे हो कि वे, सब में सेम चलेगा, जैसे कि ये इसके ऊपर यहां जाके मार्क्स लिखेगा, तो बात वही है ना सर। अगर इक्वल लगेगा तो फॉर्मूला आएगा, इक्वल नहीं है तो फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तब यूज होगा जब मैनुअल कुछ टाइप करते, तब होगा मैनुअल अगर कुछ टाइप करते, अगर मैनुअल टाइप नहीं करेंगे तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि यहां पे है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है D150, अब मुझे D1 की वैल्यू A1 पे लानी है, तो जिस पे लानी है वो पहले लिखेंगे, यहां A1 डॉट वैल्यू, तो यहां वैल्यू हो, फॉर्मूला हो या कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहां जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वैल्यू जहां से आ रही है ना वहां से फर्क पड़ेगा। तो वैल्यू इक्वल टू, जैसे मैं लिखा रेंज, रेंज में हमने यहां पे दिया D1 डॉट वैल्यू। अब ऐसा होगा, क्या होगा कि इस पे अगर मान लीजिए कि इक्वल 50 प्लस 30 हुआ तो फी 80 ही आएगा, क्या आएगा, जस्ट 80 आएगा, लेकिन अगर मैं डॉट वैल्यू के जगह पे डॉट फॉर्मूला लगा दूं तो क्या होगा, फिर इसके अंदर का जो फॉर्मूला है ना वो फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला है लेकिन इसकी वैल्यू जस्ट आ रही है। कल के डेट में मान लीजिए, कल के डेट में मान लीजिए कि मुझे अगर उसकी इसमें से इसकी वैल्यू या फॉर्मूला आ रही, इस पे लगा हुआ कलर, लगा हुआ फॉर्मेटिंग, ये सब चीजें नहीं आए, कल के डेट में मुझे सारी चीजें लानी है, तो ऐसे केसेस में यहां हम लिखेंगे रेंज B1 कॉपी, क्या करेंगे, कॉपी, और फिर जहां पेस्ट करना है वहां जाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे A2 पे पेस्ट करना है, तो रेंज A2 डॉट सेलेक्ट देन एक्टिव सीट डॉट पेस्ट, समझे, क्योंकि पेस्ट जो है सीट का पार्ट है ना कि रेंज का। या फिर आप पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं कि रेंज A2 डॉट पेस्ट स्पेशल, और यहां पे कर देंगे पेस्ट ऑल, या जो पेस्ट फॉर्मेटिंग है जो भी चूज करना चाहते हो, नीचे एग्जाम बाद सिस्टम एग्जाम बंद लेगा। ठीक है, हो गया।
समझ में आया? सिंपल सा ए टू पेस्ट स्पेशल, और यहां पे जैसे स्पेस दीजिएगा ना, तो आपको पेस्ट क्या करना है, पेस्ट ऑल मतलब जैसे नॉर्मल कॉपी पेस्ट करना है, या बॉर्डर हटा के पेस्ट करना है, या कॉलम ब्रिथ करना है, कमेंट फॉर्मेटिंग, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करते हैं, उसमें जो फीचर्स है ना वो सारे फीचर्स आते हैं इसमें, समझ गए? तो अभी आपने सीखा कि किसी कर्सर पे किसी सेल पे हम कैसे जाए, राइट? फिर आपने सीखा कि किसी पर्टिकुलर फाइल या सीट के सेल पे कैसे जाए, एक एरिया को कैसे सिलेक्ट करेंगे, किसी पर्टिकुलर सीट के एरिया पे कैसे क्लिक करेंगे, राइट? समझे? फिर हम कैसे किसी टाइप करेंगे, किसी सेल की वैल्यू अनदर सेल पे कैसे लाएंगे। अब यह चीज और भी है, जैसे मान लीजिए कि मुझे सीट टू के डी वन की वैल्यू सीट वन के ए वन पे चाहिए, तो इसका सिंपल तरीका है कि आप यहां लिखेंगे सीट्स, सीट्स में आप मान लीजिए पोजीशन नंबर देता हूं वन डॉट रेंज ए वन, यहां इकट्ठा दे सकता हूं डॉट वैल्यू इक्वल टू सीट टू का दूसरे नंबर पोजीशन सीट का रेंज डी टू की वैल्यू, समझे? इकट्ठे इस तरह से दी जा सकती है। अगर मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर फाइल है तो इसके आगे आप फाइल का भी ही लगा सकते हो कि मुझे इस फाइल की वैल्यू इस फाइल पे चाहिए, समझे? इस तरह से भी आप लगा सकते हो, क्लियर है? अब जिस पे सेल है, जिस सेल पे कर्सर है, जैसे मान लीजिए कि हमारा यहां पे कर्सर है, इसको एक्टिव सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। जैसे मुझे कॉपी करना है तो मैं यहां लिखूंगा कि एक्टिव सेल डॉट कॉपी, ठीक है? और एक एरिया जो हम सिलेक्ट करते हैं इसको क्या कहता है? सिलेक्शन। मुझे सिलेक्शन के ऊपर पेस्ट करना है या पेस्ट स्पेशल करना है तो यहां लिखेंगे सिलेक्शन डॉट पेस्ट स्पेशल, समझे? तो एक एरिया क्या कहलाता है? एक एरिया सिलेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? जी हाँ, ठीक है? यस सर। समझ में आया? यस सर, यस। तो इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए, जैसे बताया कि थोड़ा सा स्लो पढ़िए इसको, हालांकि इसको पढ़ाने को पूरा टॉपिक में पढ़ा दूं लेकिन थोड़ा सा